हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बहुत ही सुंदर सॉक्स बनाएंगे जो कि 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए है। बनाना बहुत आसान है, बहुत कम वूल लगती है फ्रेंड्स, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड, इसके ऊपर मैंने ये पॉम पॉम लगाया है, आप अपनी पसंद का कोई फ्लावर या कोई फैंसी बटन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैंने ये कलर लिया है, तो कलर आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। ये 4 प्लाई की वूल है और फ्रेंड मैंने 3.75 mm का हुक लिया है। उससे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे, उसके बाद फ्रेंड हम 37 चेन लगाएंगे, 37 चेन लगाएंगे। तो फ्रेंड मैंने 37 चेन लगा ली हैं। ये जो लास्ट चेन को छोड़ कर उससे नेक्स्ट चेन में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट चेन में करेंगे हम सिंगल क्रोशिया, यानी हर चेन में फ्रेंड्स हम कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड हम ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब एक चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे, फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकेंड चेन में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये जो चेन बनाई थी हमने, एक इसको भी हमने सिंगल क्रोशिया में ले लिया। तो ये जो चेन दिखाई दे रही है फ्रेंड, हर चेन के ऊपर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया यानी दो फंदों का हम एक करेंगे। इस तरह से हम फ्रेंड्स हर चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते हुए फ्रेंड्स हम ये पूरी रो हम फ्रेंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब एक चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे, फर्स्ट चेन को छोड़कर सेकेंड चेन में फ्रेंड हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर फ्रेंड्स हम हर चेन में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो जो चेन बनाई है इसको भी हमने सिंगल क्रोशिया में काउंट कर लिया। तो फ्रेंड हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते हैं फ्रेंड्स हम ये पूरी रो फ्रेंड हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारे टोटल 36 सिंगल क्रोशिया हैं। और फ्रेंड सिंगल क्रोशिया की फ्रेंड हम टोटल 18 रो कर लेंगे। तो 18 रो करने के बाद फिर फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मैंने ये 18 रो बना ली है। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे, अब फर्स्ट चेन को छोड़कर सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। जो ये चेन है इसको हमने सिंगल क्रोशिया में ले लिया, तो ये हो गया 2 सिंगल क्रोशिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी हर चेन के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 हमने सिंगल क्रोशिया कर लिए। तो फ्रेंड ये हमारे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो गए। फ्रेंड ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया हैं ये 36 हैं, तो उसके आधे हमने 18 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर लिए हैं। ये सिंगल क्रोशिया आगे अब हम सिंगल क्रोशिया नहीं करें, यहीं से अब हम एक चेन लगाएंगे, यहीं से हम उल्टा देंगे, फर्स्ट चेन को छोड़कर सेकेंड चेन में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। इस चेन को हमने सिंगल क्रोशिया में ले लिया, तो अब हर चेन के ऊपर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। ये हमारी दूसरी रो है।
तो ये सिंगल क्रोशिया करते हुए फ्रेंड्स हम ये पूरी रो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है, अब एक चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे, फर्स्ट चेन को छोड़कर सेकंड चेन में करेंगे हम सिंगल क्रोशिया। इस चेन को भी हमने सिंगल क्रोशिया में ले लिया। अब हम हर चेन के ऊपर फ्रेंड्स हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ तक हमारी ये 18 सिंगल क्रोशिया हैं, तो हमने यही 18 सिंगल क्रोशिया बार बार करने हैं। इसकी जो हमने टोटल रो करनी है वो हमने 18 करनी है, 18 हमारी यहाँ पे थी, 18 ही रो हमने यहाँ पे करनी है। तो ये पूरी रो 18 रो बना के फिर मैं फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड हमने ये 18 रो कंप्लीट कर ली है, अब लास्ट में एक चेन लगाएंगे, उनको काट देंगे, बंद कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से ये हमारी सॉक्स दिखाई देगी। इसकी अब हम सिलाई करेंगे। ये सीधी साइड है, यहाँ से ये देखिए ये शेप है, इसको हम इस तरह से मिला देंगे। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे। फ्रेंड मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर ली है, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे, लेकिन हम ये पूरी सिलाई नहीं करेंगे। यहाँ से 1.5 से 2 इंच तक हम ये छोड़ देंगे, यानी मैंने यहाँ तक तो यहाँ तक मैं ये सिलाई करूँगी। फ्रेंड मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर ली है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने छोड़ दिया था, अभी सॉक्स को सीधा करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम फैंसी बटन या पॉम्पम लगाएंगे। तो फ्रेंड बहुत ही सुंदर सॉक्स बनकर तैयार हुई है। इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का पॉम्पम लगाया है, आप अपनी पसंद का बटन, कोई फैंसी बटन या कोई भी कलर का पॉम्पम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।